नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म वर्नन लर्निंग पे, जहां पर हम आपसे डिस्कस करते हैं सीएसआईआर नेट में लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस का, और साथ ही साथ हम आपसे डिस्कस करते हैं और क्विक रिवीजन भी करते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2018 से ये क्वेश्चन, जहां पर उन्होंने पूछा था कि व्हाट वुड बी द ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, इन्होंने यहां पर आपको डीएनए सीक्वेंस दिया था 3' to 5' डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना था कि इस डीएनए सीक्वेंस से जो ट्रांसक्रिप्शन होकर जो एमआरएनए बनेगा और उसके बाद जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो कौन से तीन पेप्टाइड्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से तीन पेप्टाइड जुड़ेंगे। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड पूछा है, इससे हम समझ सकते हैं कि थ्री पेप्टाइड्स। तो यहां पर मैंने ट्राइपेप्टाइड को हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा समझ सके कि वैसे तो यहां पर इन्होंने तीन ही पेप्टाइड दिए हुए हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा होता है कि डिफरेंट दिए होते हैं, तो एक बार माइंड मेकअप हम कर ले कि कितने पेप्टाइड का है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़े और हाईलाइट कर सकते हैं जब भी आप पेपर करने जाए। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया कि मे बी इन फ्यूचर अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको हाईलाइट जरूर कर ले। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहां पर इन्होंने जो सिक्वेंस दिया था वो 3' to 5' डायरेक्शन में दिया था। ठीक है, जैसा आप समझ सकते हैं यहां देखा 3' to 5' डायरेक्शन में इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ था। तो हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना लिया जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां पर हमने इस जो इन्होंने हमें सीक्वेंस दिया था वो 3' to 5' डायरेक्शन में था। तो उस जो 3' to 5' डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड डीएनए पे। बात याद ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके सेंस में हम क्या बोलते हैं, एंटीसेंस और सेंस, और उसको क्यों बोलते हैं ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा। कई बार कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते रहते हैं सर सेंस और एंटीसेंस में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस भी आपको समझा दूंगा। देखिए, इन्होंने दिया 3' to 5' डायरेक्शन, इसको एंटीसेंस क्यों बोलते हैं और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो 5' 3' डायरेक्शन होता है उसको सेंस क्यों बोलते हैं। देखिए, इन्होंने जो हमें स्ट्रैंड दिया था, ठीक है, 3' to 5', तो अगर इसके बेसिस पे जो एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है, वो हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपका एमआरएनए बनता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। तो अगर इससे एमआरएनए बनेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर जिस ट्रैंड जो एमआरएनए बनेगा उसकी जिस ट्रेंड से सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मोस्टली उसी के सिमिलर होगा, उसको सेंस ट्रेंड कहेंगे। तो देखिए, इसको लेकर कॉम्प्लीमेंट्री लेकर जो एमआरएनए बना है वो देखिए आप टीटीसी, तो यहां पर टी ऑब्वियसली एमआरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, तो यूयूसी सिमिलर है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो जो ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, डीएनए और एमआरएनए में जहां पर सिमिलैरिटी ज्यादा है उसको सेंस बोलते हैं, सेंस ट्रेंड, नाम रखा गया इसलिए कि सेंस, उसको हम सेंस कर ले भाई वो उसके ज्यादा सिमिलर है, तो सेंस ट्रेंड। और इसी को पॉजिटिव ट्रेंड भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस ट्रेंड भी बोलते हैं। और जो उसके अपोजिट वाला है, ठीक है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके बेसिस पे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और एमआरएनए का सिंथेसिस होता है उसके बेसिस पे 5' to 3' डायरेक्शन में, उसको एंटी सेंस और नेगेटिव सेंस ट्रेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो 5' to 3' डायरेक्शन में हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन करा दिया पेपर पे, तो हमें ये स्ट्रैंड मिला एमआरएनए का, ये सीक्वेंस होगा यूयूसी एयूजी एजी ए। ओके, यहां पर मैंने तीनों के अलग अलग कलर से मार्किंग कर दी है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन कोडॉन्स प्रेजेंट है, इट मींस कि तीन अमाइनो एसिड यहां पर,
इन्वॉल्व होंगे और ट्राइपेप्टाइड बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखिए कि इनिशिएशन कोडॉन यानी एयूजी जो मिथियोनिन उसकी बात नहीं हो रही, उन्होंने जस्ट एक बेसिक आपसे पूछ लिया है कि इस स्ट्रैंड के बेसिस पे कौन सा ट्राइपेप्टाइड बनेगा, ठीक। फिर जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो हमने यहां पर देखा कि यूयूसी, तो यूयूसी कोड फॉर फिनाइल एलानिन, और यहां पर हमने एक और भी है यू ट्रिपल यू 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 यू, वो भी फिनाइल एलानिन को कोड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एयूजी, एयूजी आपसे बात पहले भी की है कि एयूजी इनिशिएशन कोडॉन भी है और बीच में कहीं आता है, तो फिर वो मिथियोनिन को ही कोड करता है। मिथियोनिन के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, ठीक है, स्पेसिफाइड, जिससे मिथियोनिन कोड होता है। फिर उसके बाद है AGA, AGA किसको कोड करता है, आर्जिनिन को, और आर्जिनिन टोटल 6 कोडॉन से इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड में। तो कौन कौन से, AGG, CGA, CGG, CGU, CGC, इन सबसे आर्जिनिन इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड सिंथेसिस में, ठीक है। पर यहां पर AGA दिया हुआ है जो हमारे से मैचिंग हो रही है, तो कौन कौन से ट्रांसलेशन में कौन कौन से पेप्टाइड यहां पर बनेंगे, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। बाकी ये जो कोडॉन्स है, मैं समझ सकता हूं कि आप इतना इजीली याद नहीं कर सकते इनको, बट पेपर से पहले आप इनको समराइज रिवाइज कर सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत आपके माइंड में रह जाए, और पेपर में इसी तरह से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता है, थोड़ा सा भी आप समझ सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक टर्म भी आता है कोडॉन बायसनेस, ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया में मिलती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं आर्जिनिन के 6 कोडॉन है, तो जैसे सपोज मैं मान लेता हूं कि AGA बैक्टीरिया में ज्यादा मिलता है, तो कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं कोडॉन बायसनेस, मतलब वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वो पूरी स्पीसीज इस कोडॉन के लिए बायस है, ठीक है, उसके जीनोम में ये AGA ज्यादा पाया जाता है जो आर्जिनिन को कोड करता है, बाकी कम मिलते हैं, इसको बोलते हैं कोडॉन बायसनेस, कोडॉन के एक पर्टिकुलर कोडॉन की तरफ बायसनेस। जहां पे सिंगल होता वहां तो सवाल नहीं उठता, लेकिन जहां पर बहुत सारे कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड कोड होता है वहां पर ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन जो कि कह रहा है फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन एंड आर्जिनिन ही कोड होगा इस डीएनए सीक्वेंस से, क्लियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ हमारे इस डिस्क्रिप्शन को शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को आप और इलेबोरेटेड फॉर्म में चाहते हैं या उससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।